हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अहिल एंड वाचिंग आरएचके ब्लॉग्स। सो ये ब्लॉग है पुरवंकरा सिल्वर सैंड्स के रिलेटेड, जो कि है केशव नगर में। नाम सुनते ही से बहुत सारे लोग बोलेंगे, यार ये प्रोजेक्ट में ऐसा था, ये प्रोजेक्ट में वैसा था। सब एग्री कर रहा हूं मैं, लेकिन कोई चीज बनी है और जिसका पोजीशन अभी नियर बाय है, मुझे लगता है कि आप सबको जानना जरूरी है व्हाट पुरवंकरा इज गिविंग इन इस प्रोजेक्ट सिल्वर सैंड्स। You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. Above the skies, overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. चैनल आरएच के ब्लॉग्स। तो आज हम लोग फिर से निकल रहे हैं किसी नई प्रॉपर्टी के लिए। तो ये रही हमारी गाड़ी, ये हमारे ड्राइवर साहब। क्या? कुछ नहीं। मैंने क्या बोला? कुछ नहीं बोला मैंने। कुछ तो बोली है, इसलिए हंस रही है। नहीं, मैं क्या कुछ बोल सकती हूँ? बताओ ना, तू ना मत करो। मैं कुछ नहीं बोली हूँ। क्या मजे ली तुमने वीडियो में? तो एडिटिंग के टाइम पे समझ में आएगा मेरे को। सो ये है वो प्रोजेक्ट। अभी हम है खराड़ी लोकेशन में। खराड़ी से ये प्रोजेक्ट प्रॉपर इधर साइड में दिखता है, मेन खराड़ी से। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं मंत्रा इंसिग्निया तक, और यहाँ से अंदर एक लेन जाता है ये वाला। यहाँ पर काफी सारे शॉप्स वगैरह हैं, सुपर मार्केट्स हैं। ये प्रोजेक्ट है जो कि हमने शूट किया था मंत्रा मस्मर। अगर किसी ने नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो आई बटन पे टैप करके देख सकते हैं। और इसी रोड से बस हमको चलते जाना है, लेकिन रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ एक साइड में प्रॉपर रोड बना हुआ है, सेकेंड साइड रोड में अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, पूरा ख़राब है। लेकिन हाँ, एटलीस्ट कनेक्टिविटी के हिसाब से यहाँ से रोड बना हुआ है। तो ये इनका मेन एंट्री है, ये बिल्डिंग के फर्स्ट नंबर का टावर है। ये इनका स्टूडियो अपार्टमेंट वाला टावर है। ये देखो आपका ड्राइवे कितना ज्यादा वाइड है, बिल्कुल एक साथ तीन तीन चार चार कार भी आ सकती है। और साइड में शायद ये लोग बनाने वाले हैं आई थिंक विजिटर पार्किंग। ओके गाइस, तो अभी हम अंदर आ गए हैं। अब देख रहे हो इतना बड़ा ड्राइववे अंदर बनाया है। ये ओपन स्पेस है फॉर द पार्किंग, और उसके अलावा वहां पे भी देखो उतनी सारी स्पेस है। ठीक है, ये बिल्डिंग है। ठीक है, दिस इज टावर नंबर B4, दिस इज B5, दैट इज B6। एक चीज़ मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, ये देखो आपको ACs दिख रहे हैं। सो इसके अंदर आपको मॉड्यूलर किचन और AC दोनों मिलेगा हर एक फ्लैट के अंदर। एक बुक के जैसा स्ट्रक्चर है इसका। हाँ, और यहाँ पे तीन लेवल की पार्किंग है और फिर टावर्स हैं। अंदर एमिनिटीज भी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे अंदर से ले जाके। ये देखो इस तरीके की इनकी पार्किंग है। सो दिस इज P1 पार्किंग पूरे बिल्डिंग के नीचे यहाँ से वहाँ तक। और इसके अलावा यहाँ पे है इनका लॉबी। ये देखो लॉबी भी बन के रेडी है। एंड ये है इनका लेटर बॉक्सेस। सो ये है इनका लॉबी वाला सेक्शन, जहाँ पे आपको इधर एक लिफ्ट है, इधर एक लिफ्ट है, और ये स्टेयर कैसे से यहाँ से। तो अभी हम चलते हैं लिफ्ट से ऊपर, चलो ना। तो हम आए हैं अभी 18th फ्लोर पे। सो यहाँ पे आपको मिलेंगे दो फ्लैट, ये है लॉबी, और वहाँ पे आपको लास्ट में मिलेंगे दो फ्लैट। ठीक है, ये जो दो फ्लैट हैं ये 2 BHK हैं, और अपोजिट साइड के जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाए थे वो दोनों 3 BHK। चलो अभी हम देख लेते हैं 3 BHK का एक्चुअल फ्लैट। Thank you.
अब हम देखते हैं 2 BHK 823 स्क्वायर फीट का। हाँ जी, तो इसके अंदर दो तीन चीज़ें मुझे बतानी है। देखो, एसी के लिए ऑलरेडी यहाँ पे कटआउट दिए हैं आपको, हर एक रूम में आपको देखने मिलेंगे ऐसे। लेकिन ये मास्टर बेडरूम है ना, हर एक फ्लैट के अंदर 3 BHK और 2 BHK उसमें उन्होंने एक एसी बिठा के दिया है, ठीक है। अब 3 BHK के अंदर आपने देखा कि ऑलरेडी यहाँ पे ऐसा एक्स्ट्रा स्टैंड बना हुआ था, बट 2 BHK के लिए वो नहीं है। ऐसा आइलैंड किचन ये उन्होंने दिया है, बट ये मूवेबल है। आप इसको क्या कर सकते हो, अगर कॉर्नर में लेना हो तो उधर कॉर्नर में ले सकते हो। यहाँ पे इधर आप इसको ऐसे घुमा के एल शेप किचन बनाना हो तो यहाँ से ऐसा इस वॉल पे भी लगा सकते हो। सो अप टू यू। तो अच्छी चीज़ ये है कि ये मूवेबल है। ये जैसा किचन आपको दिख रहा है ना, एज इट इज़ मिलेगा 2 BHK के लिए, और जो 3 BHK के लिए जो देखा था हमने वो एज इट इज़ मिलेगा 3 BHK के लिए। सेम उसमें भी AC वगैरह दे रहे हैं लोग। इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ क्या दिख रही है बताएं, स्पेस बहुत है, स्पेशियस है प्रोजेक्ट अंदर से, और व्यूज़ देखो आप, अमेजिंग व्यूज़ है, हर एक साइड से व्यू अच्छा है इसका। हाँ, सब मिलेगा यहाँ पे, तो वो एक बहुत अच्छे पॉइंट लगा हमें को यहाँ पे। बट एनीवे, जो इनके रीजंस थे जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हुआ या जो भी एक्सवाइजेड चीज़ें हुई, अब जो दे रहे हैं उस हिसाब से एटलीस्ट अच्छा दे रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है कि फ्लैट में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा देख के। हाँ, वहाँ तो 4 बालकनी होती है। ड्राई बालकनी मिला के। अब एक चीज अच्छी क्या बताया, जो आज की डेट में सब लोग लड़ते हैं ना कि ये लोग स्प्रिंकलर्स को हाइड नहीं करते हैं बिल्डर। अब यहाँ पे देख लो आप, ये स्प्रिंकलर्स है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये माइवन है। माइवन रहने की वजह से है ना, बिल्डिंग की थोड़ी लाइफ एक्स्ट्रा रहती है, वो है। ऐसा नहीं कि हाँ, अगर यही ब्रिक वर्क होता तो थोड़ा सा हम बोल सकते कि चलो चैलेंजेस आ सकते हैं। हाँ,
कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी, सिर्फ एक ही है कि आपको टाइल्स थोड़े से पुराने स्टाइल के दिखेंगे यहाँ पे अभी भी, बट दैट इज इग्नोरेबल, इतना ध्यान नहीं जाता, वीडियो में आपको ध्यान जा रहा होगा, बट ऐसे अगर आप आओगे ना फ्लैट को देखने के बाद ना, ये आप टाइल्स पे उतना ध्यान नहीं जाएगा आपका, ऐसा है क्योंकि वो उसमें तो वुडन फ्लोरिंग आ रही है आपको अंदर बेडरूम में। हाँ ये वाली, इतनी बड़ी बालकनी, इतने हाइट है देखो तुम्हारी, मेरी है 5-4, ऑलमोस्ट 5 फीट के तो आपको ग्लासेस मिल रहे हैं आपका हाइट। वो अच्छा है कि ऐसा वुडन वाली नहीं है, अपन वहाँ VTP में जो हम देखे थे ना सब ऊंचा होके देखना पड़ता था, यहाँ पे कैसे ग्लास रहने की वजह से यहाँ से भी क्लैरिटी है, दिख रहा है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता था कि यार ये पानी की वजह से स्मेल का दिक्कत वगैरह नहीं आएगा, या फिर जो भी क्वेश्चन थे। अभी हम 18th फ्लोर पे खड़े हैं, बिल्कुल स्मेल नहीं आ रहा है हमको, स्मेल नहीं आ रहा। अभी हमें नहीं आ रहा होगा, हम नहीं बोल सकते नहीं आएगा। हाँ ठीक है, लेकिन अभी अभी तो नहीं आ रहा, ये सिचुएशन में नहीं आ रहा, फ्लो हो रहा है वैसा, हमको से फील नहीं आ रही है। व्यू बहुत अमेजिंग है, अभी हमेशा आपको ओपन ही रहने वाला है। हाँ ये हमेशा ओपन रहेगा। ओके तो अभी हम आए हैं एमिनिटीज वाले सेक्शन में, ये देखो कैसे रिजॉर्ट्स वगैरह में प्रॉपर बोर्ड बने होते हैं ना, वैसे हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे बोर्ड प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है कि ऊपर एग्जैक्टली क्या है। चलो देखते हैं अभी पूरा एमिनिटीज। यहाँ पे आपको क्लब हाउस मिलेगा, जिम है, और यहाँ पे सेंटर में जो वेव पूल वगैरह मैंने ऊपर से दिखाया था सब यहाँ पे है। हाँ जी, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये एंट्रेंस में ना ये इनके स्टूडियो अपार्टमेंट्स है, यहाँ पे ये टावर नंबर 1 है, ये टावर नंबर 2 है, ये टावर 3, ये टावर 4, इसके साथ में जैसे क्लब है ना वैसे वो टावर 5, फिर वो पीछे वहाँ पे टावर 6, और उसके बाजू में क्लब टावर 7। सो इस तरीके से यहाँ से टावर 1 से लेके टावर 7 तक है, उसके बाद में इधर आएंगे ये टावर 8, टावर 9, और टावर 8, टावर 9 के बाद यहाँ पे जो आगे है ना टावर 10, टावर 11, टावर 12, ऐसा यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। टावर नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 ये है सिल्वर सैंड्स, टावर नंबर 2, 3 एंड यहाँ पे टावर नंबर 11 आने वाला है, ये तीनों है एमरल्ड बे, ठीक है क्लियर। सो इसी में बाइफर्गेशन है सिल्वर सैंड्स का और एमरल्ड बे का। सो अभी इनकी जो बुकिंग चालू है वो एमरल्ड बे की है, इसकी ये दो टावर्स प्लस यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ये रॉड्स, इनका टावर नंबर 11 है, सो इसकी भी बुकिंग चालू है। लेकिन मेजरली मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी देखो इतना सब आपने देखा जो ऑलमोस्ट रेडी है, सो मेरा ऐसा है कि अगर इनमें जो रेडी टू मूव वाले फ्लैट्स है ना वो अच्छे ऑप्शंस में है। ये वेव पुल है, जाना है क्या? तो हमें देखिए, ये साफ है यार पानी बहुत। सो वेव पुल के बाद में इधर आता है ये है पैडल पूल, ठीक है, पैडल पूल के बाद में ये है प्रॉपर इनका स्विमिंग पूल, वो है स्नॉर्कलिंग पूल। देखो ये दिख रहा है आपको सनडेक यहाँ पे सीटिंग के लिए कॉर्नर पे, अमेजिंग। फिर उसके बाद में ये है इनका फिशिंग वाला डेक यहाँ पे, ये है योगा डेक इनका, और योगा डेक के यहीं पे आपको मिलेगा फिशिंग डेक, ये पूरे फिशिंग डेक, ये फिशिंग का रहेगा। और ये जो आपको पैच दिख रहा है बीच में ग्रीन, ये इनका किड्स प्ले एरिया बनेगा यहाँ पे, छोटा सा ग्रीनरी के यहाँ पे। ओके सो एमिनिटीज में सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा एक स्कॉश कोर्ट, वाओ अमेजिंग, कैसा लगा स्कॉश कोर्ट, मस्त है ना? हाँ, और यहाँ से आ गया होगे तो ये लिफ्ट, लिफ्ट के बाद में है ना इन्होंने एक प्रॉपर रिसेप्शन एरिया बनाया है क्लब हाउसेस के लिए, ये देखो सिल्वर सैंड्स क्लब, इसको कुछ ना कुछ यूज में ला सकते हैं, अगर किसी को कॉन्फ्रेंस करना है छोटा मोटा लाउंज एरिया। हाँ और इसके बाद में यहाँ पे आएगा कार्ड्स रूम, क्योंकि नकटू यहाँ पे सट्टेबाजी खेलेगी हैं पत्तों के साथ। देखो ये भी ऑलरेडी रेडी, नहीं मतलब ये सब चीजें है ना हमने देखा कि बहुत लग्जरी इसमें देते हैं। हाँ बहुत बड़ा है वो, तो प्रोजेक्ट है ये सब चीजें देखी थी एमिनिटीज हमने उसमें, क्योंकि आप ये दे रहे हैं लोग तो बहुत अच्छी चीज है, पिछे पत्ते भी लगे हुए ऑलरेडी आपको एक फील देने के लिए है ना। अब यहाँ से आगे आएंगे तो ये स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल के यहाँ पे आपको मिलेगा ये है लेडीज वॉशरूम,
यह है जेंट्स वॉशरूम और यह है पेंट्री वाला एरिया। और इसके आगे हम आएंगे तो ये आपका रहेगा ओपन स्पेस और वहां पे अंदर रहेगा आपका पूल टेबल। सो ये है इनका पूल टेबल वाला, देखो पूल टेबल भी यहाँ पे दिया है, तो पूल टेबल भी दिया और एसीज देखो कितने एसीज लगे हुए। ये भी बहुत स्पेशियस जगह है, देखो कितने चेयर टेबल ऑलरेडी इन्होंने सब रखा है, मतलब इतना है कि बस आके रह जाओ आप। चलो अब हम कहाँ चलेंगे, हम ऊपर के फ्लोर पे चलेंगे क्योंकि ऊपर फ्लोर पे इनका है जिम। ओके गाइस, तो हम अभी ऊपर आ गए हैं। ऊपर आने के बाद में यहाँ पे स्ट्रेट देखो इतनी ओपन स्पेस है, यहाँ से भी आपको एमिनिटीज दिखती है ऊपर के फ्लोर से। तो ऊपर आने के बाद में इनके वॉशरूम्स वाली जगह है, तो उसके यहाँ पे ना राइट साइड में आपको मिल रहा है एवी रूम। या एज अ थिएटर करके भी आप बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं, देखो हॉल के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे है इनका योगा रूम, ऑलरेडी एवरीथिंग इज़ इन प्लेस, अमेजिंग एमिनिटीज़, बहुत सारी एमिनिटीज़ लग्जरी एमिनिटीज़ के हिसाब से दिया है। जुम्बा कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एंड ये है इनका जिम। ओ माई गॉड, ऑलरेडी फुल्ली इक्विपाइड जिम है यार, अमेजिंग, बहुत बड़ा जिम है नक्टू। ये हम देखने गए थे वैसा वाला है, तो जितने फ्लैट और इतना बड़ा बना है ना उसके हिसाब से जिम देखो तुम, यूनिट भी है ना, हाँ उसके हिसाब से तो बराबर परफेक्ट बना है। और यहाँ पे सेंट्रलाइज एसी भी है ऑलरेडी लगा हुआ। प्लानिंग इसका बहुत अमेजिंग और बहुत अच्छा प्लानिंग है, हाँ देखो कितना साफ है अभी भी। अगर जो लोग भी ये प्रोजेक्ट पे आते होंगे ना बाद में, ये जिम में हम खड़े थे यहाँ पे, अगर आप वीडियो देख रहे हो ना इस जिम पे हम यहाँ पे थे, पीछे ग्लास दिख रही है, आपको याद आएगा कि हाँ आरएच के व्लॉग्स वाले आए थे यहाँ पे फर्स्ट टाइम, जिन्होंने पूरा अंदर से पूरा कवर करके दिखाया प्रोजेक्ट। तो इसी बात पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो जल्दी से और कमेंट भी करो कैसा लगा आपको। पसीने हो रहे, गर्मी आ रही है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बताओ। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो और शेयर करो लोगों तक, ठीक है। ओके, तो यहाँ से अंदर आते हैं ना, इधर यहाँ पे जिम का लॉकर रूम है प्रॉपर, देखो ये भी बना हुआ है, एवरीथिंग इज़ इन प्लेस हियर टू, और सब अच्छा है, सब नया रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ पुराना पड़ा है यहाँ पे। ओके, सो अभी हम आए हैं क्लब हाउस के टेरिस पे। सो ये देखो इतना लंबा टेरिस है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो एनीथिंग, वॉकिंग भी कर सकते हो आप रात में, एनीथिंग, अमेजिंग, सेंटर में ही है प्रॉपर। ओके गाइस, सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना एक मास्टर प्लान डालता हूँ पूरे प्रोजेक्ट का, आप पहले वो देखो, तो मास्टर प्लान से आपको समझ में आएगा एंटायर प्रोजेक्ट जो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, एक बार गो थ्रू करो फिर मैं आपको बताता हूँ। जो रेडी टू मूव की हम बात करते हैं, ये टावर नंबर 4 है। सो टावर नंबर 4 में जो एमिनिटीज फेसिंग, जो कि लगून फेसिंग आता है इनका, ये पूरे 3 BHK हैं, और ओपन फेसिंग में पूरे 2 BHK हैं। टावर नंबर 6, टावर नंबर 7, यहाँ के जो 2 BHK हैं ये लगून फेसिंग है, 3 BHK पूरे ओपन फेसिंग है। सो इसका पूरा रेप्लिका है, ठीक है, बट कार्पेट साइजेस वगैरह सेम है। यहाँ पे आएंगे ये टावर नंबर 8 और 9। सो 8 और 9 में कैसा है, इसमें 1 BHK भी आपको मिलेंगे टावर नंबर 8 और 9 में, लेकिन 1 BHK इनके पूरे सिटी फेसिंग में है और 2 BHK पूरे इनके लगून फेसिंग में है, क्लियर।